हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक फ्रेश न्यू वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और धमाकेदार ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, जहां से देखो अभी जो है आप इंस्टेंट इस ऑफर को ट्राई करके 27 रुपये का कैशबैक ले सकोगे और इस ऑफर से आप डेली जो है आपको 15 रुपये करके कैशबैक मिलता रहेगा। बहुत ही गाइस धमाकेदार ऑफर है, बस इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट बहुत ही सिंपल सा ऑफर है। सेम देखो कुछ टाइम पहले मैंने आपको कुछ जो है सेंड मनी ऑफर के बारे में बताया था, तो वैसा ही देखो यहाँ पे सेम टू सेम ऑफर है। तो चलिए मैं आपको ऑफर के बारे में बता देता हूँ, पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी हम मस्ट ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, कोई भी बग ऑफर्स वगैरह आते हैं, उसके बारे में अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑफर निकल के आ रहा है मूवी क्विक एप्लीकेशन की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस एप्लीकेशन से बहुत सारे फ्री शॉपिंग के और अर्निंग के ऑफर आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है आप इस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, अगर पहले से है तो बहुत ही अच्छा है। और इस एप्लीकेशन में देखो आपको कोई भी जो है KYC वगैरह भी करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली सा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप वगैरह कर लेना। अभी देखो यहाँ पे जब भी आप इस एप्लीकेशन पे साइन अप करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस टाइप का एक सर्च बार दिख जाएगा। इस पे जाके देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबैक, ठीक है, PAYBACK ये आपको सर्च करना है। ये जब भी आप सर्च करेंगे तब देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का देखो एक कार्ड नंबर आ जाएगा। तो ये जो नंबर होगा इसे देखो यहाँ पे आपको जो है कहीं पर भी जो है कॉपी करके या फिर जो है नोट करके रख देना है। अभी देखो यहाँ पे ये जो नंबर है इसे आप कॉपी करके रख देना। देन देखो यहाँ पे आपको जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पेबैक, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये जो एप्लीकेशन है इसे आप जो है डाउनलोड कर लेना। अभी देखो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब भी देखो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन में साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो है अकाउंट वाले सेक्शन पे आना और यहाँ पे आपको जो है इस टाइप से आपको साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें देखो यहाँ पे जो आपने कार्ड नंबर जिसको मैंने आपको सेव करने को कहा, वो नंबर यहाँ पे देखो आपको इस टाइप से एंटर कर देना है। और पासवर्ड की जगह यहाँ पे देखो आपसे एक पिन पूछेगा, तो जो पिन होगा वो देखो यहाँ पे आपके पास तो नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखो फॉरगेट पिन के ऊपर टैप करना है और आपको जो है यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP से देखो यहाँ पे आपको जो है पिन मिल जाएगा आपके नंबर पे, आपको एक SMS के थ्रू आपको एक पिन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पिन मिलेगा उसको यहाँ पे देखो आप डाल के जो है कैप्चा वगैरह फिल करके यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो है आप साइन अप कर लेना। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पे आप जो है पिन के लिए सिंपल सा फॉरगेट के ऑप्शन पे क्लिक करना, देन आपके नंबर पे एक पिन आ जाएगा, उस पिन से आप जो है इस एप्लीकेशन पे आके लॉग इन कर लेना। और इस एप्लीकेशन पे भी आपको जो है कोई भी KYC वगैरह करना नहीं पड़ता है और बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है। अभी देखो यहाँ पे आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है भारत पे मर्चेंट। आप लोगों को भारत पे एप्लीकेशन के बारे में भी पता होगा, कुछ टाइम पहले यहाँ से भी एक ऑफर आया था जहाँ से देखो आप लोगों को जो है कुछ फ्री प्रोडक्ट वगैरह मिल रहा था, और इसके ऊपर भी जो है मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था। तो यहाँ पे आप जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और इसमें जो है आप लोग साइन अप कर लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो है ओनली फिजिकल बैंक ही सपोर्ट करता है, यानी कि जो ऑनलाइन बैंक वगैरह होते हैं एयरटेल बैंक पेटीएम बैंक वो इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस एप्लीकेशन में इस टाइप से आके साइन अप कर लेना। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो यहाँ पे आपको साइन अप करके यहाँ पे अपना बैंक लिंक करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे ये जो कोने में आपको 3 लाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप से QR मिल जाएगा, इस QR को आपको एक स्क्रीनशॉट लेके इस टाइप से रख लेना है। और यहाँ पे देखो ये जो पेबैक एप्लीकेशन है इसमें देखो यहाँ पे आपको जो है वापस आ जाना है, आपको भारत पे में यहाँ पे साइन अप करना है, QR कोड निकाल लेना है, फिर आपको ये जो पेबैक एप्लीकेशन है इसे आपको ओपन कर लेना है। इसको देखो यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नीचे, देखो यहाँ पे स्कैन एंड पे का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भारत पे का मर्चेंट का जो QR कोड होगा उसको देखो यहाँ पे इस टाइप से आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस टाइप से आपको सेंड मनी करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सेंड मनी की जगह आप जो है 100 रुपये या फिर उससे ऊपर का एक जो है अमाउंट डाल देना। और जो पेमेंट होगा वो यहाँ पे देखो पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, कोई सा भी एक पेमेंट मेथड से यहाँ पे आप जो है आपके मतलब कि पेटीएम या फिर फ़ोनपे के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट कर देना। जो देखो यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे वो देखो यहाँ पे जो 100 रुपये का अमाउंट है वो देखो यहाँ पे आपको भारत पे के आपके एप्लीकेशन में चला जाएगा। और भारत पे में देखो यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो नेक्स्ट डे होता है, मतलब कि आप जो है 100 रुपये का सेंड मनी करना, जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट डे आपके भारत पे के
जो आपने बैंक लिंक किया है वहाँ उसमें जो है नेक्स्ट डे आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है 100 रुपये का सेंड मनी करना, जब भी देखो यहाँ पे आप 100 रुपये का सेंड मनी करेंगे तब देखो यहाँ पे पहली बार ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा 50 पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन पे 10 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिल गया। ऐसे देखो यहाँ पे टोटल आपको 6 ट्रांजेक्शन करना है, 6 ट्रांजेक्शन के लिए देखो यहाँ पे आपको 60 पॉइंट मिल जाएगा और फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए आपको 50 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि टोटल देखो यहाँ पे आप 6 ट्रांजेक्शन करोगे ऐसे 100 रुपये करके आपके भारत पे मर्चेंट पे, तो टोटल यहाँ पे देखो आपको जो है 110 पॉइंट मिल जाएगा और 110 पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो देखो यहाँ पे 27 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है सेंड मनी ऐसे कर लेना है जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने किया है। और यहाँ पे जो 100 रुपये करके अमाउंट आप सेंड करोगे वो देखो यहाँ पे आपको भारत पे के आपके ऐसे मर्चेंट पे चला जाएगा और नेक्स्ट डे देखो यहाँ पे आपके जो है जो भारत पे के मर्चेंट पे आपने जो बैंक लिंक किया है उसमें देखो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, मतलब कि आपका जो पैसा है वो आपको वापस नेक्स्ट डे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग जो है डेली ऐसे ट्रांजेक्शन करना, जब आप पहली बार ट्रांजेक्शन करेंगे तब उसके लिए आपको टोटल 110 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि आपको पहली बार ट्रांजेक्शन के लिए 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है और हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको जो है 10-10 करके पॉइंट मिलता है। टोटल ऐसे आप जो है डेली 6 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 110 पॉइंट मिल गया, इसका वैल्यू यहाँ पे 27 रुपये का होता है। जब आप नेक्स्ट डे इस ऑफर को ट्राई करेंगे तब यहाँ पे आपको जो है ओनली 60 पॉइंट ही मिलेगा क्योंकि आपको जो है 50 रुपये का जो पहली बार ट्रांजेक्शन के लिए मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा और 60 पॉइंट का वैल्यू लगभग लगभग जो है 15 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप जो है डेली इस ऑफर को ट्राई करके 15 रुपये करके ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो जब आप पहली बार करेंगे फर्स्ट टाइम करेंगे तब यहाँ पे आपको 27 रुपये मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला है इसे आप कैसे रिडीम करेंगे, तो इसके लिए देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है अगेन आपका फ़ोन का जो मूवी क्विक एप्लीकेशन होगा उसको देखो यहाँ पे आपको जो है ओपन कर लेना है इस टाइप से। और ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे अगेन आपको सर्च बार में आके सर्च करना है पेबैक PAYBACK की, ये आपको सर्च करना है। और यहाँ पे देखो आपको अगेन जो है इस टाइप से आपका जो कार्ड है वो देखो यहाँ पे शो हो जाएगा और साइड में देखो यहाँ पे आपको एक बैलेंस शो होगा 27 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ऐसे देखो यहाँ पे आपको 27 रुपये का बैलेंस शो होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो कार्ड है इस पे देखो यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो देखो पॉइंट है आपका इसे देखो यहाँ पे आपको रिडीम कर लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे आप रिडीम कर लेना, ये आपके डायरेक्ट जो है मूवी क्विक वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो मूवी क्विक में आपका जो पॉइंट मतलब कि आपका जो वॉलेट बैलेंस आपको मिला है इसे देखो यहाँ पे आप जो है कहीं पे भी 100% यूज कर सकते हैं, यानी कि आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं या फिर देखो यहाँ पे आप जो है कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप इसे बैंक पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मूवी क्विक में फुल KYC का जरूरत पड़ेगा या फिर देखो यहाँ पे आप जो है मूवी क्विक मर्चेंट के थ्रू भी ये जो आपको यहाँ पे वॉलेट बैलेंस मूवी क्विक का मिला है उसे आप निकाल सकते हैं। मतलब कि भाई तगड़ा वाला ऑफर है यहाँ पे, आपको फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तब यहाँ पे आपको 27 रुपये मिल जाएगा और डेली ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 6 ट्रांजेक्शन के लिए देखो यहाँ पे आपको 15 रुपये मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी एक बढ़िया ऑफर है, मैंने आप लोगों को पूरा ऑफर के बारे में बता दिया और देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन किया था, मेरा जो अमाउंट था वो देखो यहाँ पे मुझे मूवी क्विक वॉलेट में 27 रुपये यहाँ पे 50 पैसे मिल भी गया था। तो गाइस काफ़ी एक बढ़िया ऑफर है, मैंने आप लोगों को पूरा फुल ऑफर के बारे में बता दिया। और इनमें से देखो यहाँ पे कोई सा भी एप्लीकेशन में आपको KYC वगैरह करना नहीं पड़ता है, जो मूवी क्विक होता है उसमें देखो यहाँ पे आपको एक जो है छोटा सा मिनी KYC करना पड़ता है जो कि आप आपके आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड के नंबर से ही कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो पे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डेली इस ऑफर को आप ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया ऑफर है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।